लाड़वा खंड के गांव डरडा के एक विद्यार्थी ने मलेशिया में हुए चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर गांव के साथ साथ पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया। गांव के छात्र कृष पंजेता ने 4 फाइट जीतकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में 65 देशों के छात्रों ने भाग लिया था। ये थी लाड़वा से नेशनल टीम के लिए वैभव चावला की रिपोर्ट। धन्यवाद। गांव डुड्डा के कृष पंजेता ने गोल्ड मेडल जीतकर गांव का नाम रोशन किया है, आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे? हम तो यही शिक्षा देना चाहेंगे कि सभी बच्चों को अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेलों में विशेष रुचि लेनी चाहिए और माँ बाप को भी जो बच्चे खेल के प्रति जिनकी भावना अच्छी हो उनका पूरा सहयोग करना चाहिए। उसी कड़ी के तहत लाड़वा के अंदर यूथ स्पोर्ट्स अकेडमी चलाई जा रही है जिसका संचालन यूथ स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा किया जाता है और क्रिस पंजेता भी उस अकेडमी में आता है और स्वामी विवेकानंद स्कूल उडाना का छात्र है। वहाँ के सभी प्रिंसिपल साहिबान का और मैनेजमेंट कमेटी का इस बच्चे को बड़ा सहयोग रहा, जहाँ परिवार का सहयोग रहा वहीं अकेडमी का भी बड़ा सहयोग रहा। धन्यवाद। ये प्रतियोगिता इंटरनेशनल स्तर पर ताइक्वांडो की चैंपियनशिप मलेशिया में करवाई गई। मलेशिया के पिनांग सिटी के अंदर ये टूर्नामेंट कराया गया। इस टूर्नामेंट में लगभग 35 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और 35 कंट्रीज के अंदर से हमारे इस गांव के डुड्डा गांव के इस बच्चे ने क्रिस पंजेता ने लगभग 4 फाइटें जीत करके अपने आप अपना लोहा बनाया और अपने इस गोल्ड मेडल के साथ हमारे इंडिया का, हमारे भारत का और हमारे इस हरियाणा प्रदेश का नाम जो है रोशन किया। इस चीज़ को मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे सारे स्कूल स्टाफ को। स्वामी विवेकानंद स्कूल में पढ़ने वाला ये विद्यार्थी 8वीं कक्षा का छात्र है और इसने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपने इस कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया और उसी के साथ जो है गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा किया। आपने गोल्ड मेडल जीता है मलेशिया के अंदर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। घर का भी बहुत नाम है, स्कूल का बहुत नाम है और हमारे चमनलाल सर का भी जिनका मेन भाग था उनका बहुत ज्यादा नाम है। ठीक। और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें नेशनल 18 का यूट्यूब चैनल, बेल बटन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।